हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू। जैसे कि याद होगा लास्ट लेक्चर में 1.5 का क्वेश्चन नंबर वन हमने ऑलरेडी देखा था। वहाँ पर क्या देखा था जरा एक बार रिकैप कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। हाँ सर, बरोबर। वहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया था और सर्किट डायग्राम से हम लोग ने सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर टू में क्या होगा मालूम है? तुमको सिम्बॉल देगा और सर्किट डायग्राम बनाना है। मतलब साफ साफ क्लियर है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पहले क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग को डायग्राम दिया था, सिंबल में कन्वर्ट किए। क्वेश्चन नंबर टू में सिंबल दिया रहेगा, डायग्राम में कन्वर्ट करना है। होपिंग कि इतना आपको पता है। एक बार वापस, ये जो होता है इसको वी बोलते हैं हम लोग, और बोलते हैं, और सर्किट में क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं, बरोबर। एंड सीरीज, याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस और नो? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। यही लेके हम लोग को आगे का जर्नी अपना कंप्लीट करना है। बच्चा एक बार रीड कर लो क्वेश्चन नंबर टू में। टोटल छः सब क्वेश्चन है, टोटल छः सब क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी सम्स को हम लोग डील करेंगे, लेकिन सेम जैसा एक ऑफलाइन में होता है। कुछ समय पहले बता दूंगा, फिर ट्राई करना, वीडियो पॉज करके उसके बाद आगे प्रोसीड करना। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, इसका अपने को डायग्राम बनाना है। यहाँ पर देखो, ये ब्लू में जो लिखा है ना, ये छः सब क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। होपिंग इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मेलिटी लिखते हैं, याद आ रहा तुम लोगों को? यस और नो? लास्ट लेक्चर से अपना ये परंपरा चलते आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा नहीं और डायरेक्टली इधर आ गए, तो बच्चा ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज? तो जो भी देख रहे हो ना, सीक्वेंस में देखो, तभी मजा आएगा। तुम लोग को भी एक अच्छे लेवल का बॉन्डिंग बन जाएगा और एक अच्छे लेवल पर तुम्हारा एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा। और जो भी एक्स वाई जेड जहाँ पर भी ये मैथमेटिकल रीजनिंग करके रहेगा टॉपिक, ये MHT CET JEE मेन्स, सब में सबके लिए एक ही साथ यही टॉपिक कर लो, डैट्स इनफ। यहाँ पर क्या रहेगा मालूम? वहाँ पर सिर्फ थ्योरी नहीं लिखना, बाकी कंसेप्ट सेम ही रहेगा। समझ पा रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। पी को हम लोग क्या बोलते हैं? द स्विच S1 इज क्लोज। नेगेशन ऑफ पी को क्या बोलते हैं? द स्विच S1- इज क्लोज। यहाँ पर सिंपल है, PQR S1 S2 S3, और नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर, S1- S2- S3, इतना पार्ट तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर से चलते आ रहा है। ये अपना मेन कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले ये लिख देना, बाकी कुछ आए ना आए इसका मार्क्स तो दे दो मैडम कम से कम। समझ पा रहे हो? यहाँ पर चलो, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द सर्किट डायग्राम इज शोन बिलो, द सर्किट डायग्राम। पहले एक काम करते, यहाँ पर मैं क्वेश्चन वापस लिख लेता तुम लोग को समझाने के लिए, तुम लोग को वापस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, नेगेशन पी है एंड क्यू है, फिर यहाँ पर क्या है और है बीच में, और P एंड नेगेशन R। बच्चा ध्यान से देख मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक डब्बा है, एम आई क्लियर? ये एक डब्बा, मतलब दो ब्रैकेट है, तो है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, ये पहला डब्बा और ये दूसरा डब्बा, बरोबर है? पहला डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में क्या लगा है? और इट मीन्स यहाँ पर ये ऊपर होगा और ये दूसरा वाला नीचे होगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये एंड होता तो दोनों क्या होते? सीरीज होते। दोनों के बीच में क्या है? पहला डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में क्या है? और है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेंगे? ये लोग पैरेलल रहेंगे। एम आई क्लियर? चलो पहला हमारा फोकस इस पे रहेगा। द सर्किट डायग्राम इज गिवन बाय, पहले ये फॉर्मेलिटी लिखने का, इज गिवन बाय। अच्छा ये चीज याद रखना बच्चा, इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये जरूर लिखना, ये समझ गया ना? ये पूरा नहीं लिखा, अरे लिख लो ना, क्या ही जाता है अपना, बरोबर, इतना तो याद ही हो गया। चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। नेगेशन पी देख, यहाँ पर नेगेशन पी एंड क्यू, मतलब ये दोनों अपने आप में एक दूसरे की क्या है? सीरीज में है। देखो बीच में एंड लगा है। वन मोर टाइम, ये और ये अपने आप में, देखो पहला और ये दूसरा, दोनों के बीच में एंड लगा है। इसका मतलब सॉर्टेड है सर, ये पहले पार्ट में ना दो स्विच लगा रहेगा, दोनों ही एंड में रहेंगे। दूसरे पार्ट में दो स्विच लगा रहेगा, दोनों ही एंड मतलब सीरीज, और ओवरऑल ये क्या रहेंगे? पैरेलल। चलो स्टार्ट करते हैं। नेगेशन पी मतलब क्या आएगा? S1- तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S1- आगे, यहाँ पर सीरीज है एंड, मतलब ये सीरीज में रहेगा, सीरीज में। क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू को क्या बोलते हैं? S2। क्या बोलते हैं हम लोग? S2। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? ओवरऑल ये दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल। ये देखो तीसरा वाला स्विच, ये वाला और यहाँ पर ये वाला, बरोबर है? अरे बहुत ही आसान है ये तो, मुझे लगता है जो बच्चा यहाँ पर, इसका नाम बता दो, पी का मतलब क्या होता है? S1। ग्रेट बच्चा। और ये क्या? नेगेशन आर का मतलब क्या होता है? S3-। बोलो ये क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करना? देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब एक काम करते, सेल बना लो या तो बैटरी बना लो, यहाँ पर बी लिख दो और आगे लैंप लिख दो, बरोबर ये चीज़।
बरोबर। अच्छा ये इतना तो अपने को मालूम है फिजिक्स के हिसाब से, प्लस से ही करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया जाता है, तो प्लस से यहाँ पर हम लोग करंट दिखाने का, तुम लोग की मर्जी जितना सजाने का, कुछ नहीं आ रहा ना तो यही करते बैठो बस एग्जाम में, समझ में रहो, यही कुछ नहीं आ रहा तो इतना ही करके बैठो, ये टाइम पास करते जाओ। ये हो गया तुम्हारा दो मार्क्स का सम। क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया सर, यहाँ पर आपने ये लिखा सर्किट डायग्राम, ये तो निबंध है, बार बार नहीं लिखूंगा, ये भी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इतना चीज़ अपने को क्लियर होना चाहिए। बारहवीं में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन भी होता है, हाँ ये उसकी अगली, ये उसका अगला, इतना सब नॉलेज है तो इतना तो तेरे दिमाग में बैठेगा कि इतना अपने को पता होना चाहिए, बराबर है यहाँ तक? चलो इसको कॉपी करो, अब सेकेंड वाला ट्राई करना है तुम लोग को, होपिंग कि आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा। अब अपनी गलती को पहचानो कि हमसे क्या गलती हो गया। चलो सेम अप्रोच करेंगे बच्चा, ध्यान देना, हर एक बच्चा यहाँ पर ध्यान देगा। सबसे पहले तुम लोग को आशीष सर ने क्या बोला, देख ये एक डब्बा और ये एक बड़ा डब्बा, देख स्क्वायर वाले को लॉन्ग ब्रैकेट बोलते, कोई मैटर नहीं करता, अपने को सिर्फ ये चीज़ समझना है ये क्या है पहला डब्बा और ये क्या है दूसरा डब्बा। बोलो ये क्लियर रहेगा, पहला और दूसरे के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा है, इट मीन्स ये वाला ऊपर और ये सेकेंड वाला नीचे, दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ये समझ गया अपना मतलब। मेन जो करंट है ना दो पाथ पकड़ने वाला है, लास्ट लेक्चर का रिकॉलिंग कर लो बच्चा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, एम आई क्लियर? ग्रेट। देखो ऊपर वाला तो एकदम सस्ता है, ऊपर वाले के बारे में बात करेंगे ना तो दो जन मेरे को सीरीज में दिख रहे हैं, एक पी और एक क्यू, मतलब ऊपर वाले का कुछ मगजमारी नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं, सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, देखो सेकेंड वाले पार्ट में भी अंदर ही सेकेंड वाले पार्ट में दो डब्बा दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। बोलो ये क्लियर हो गया? देखो पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में क्या एंड, मतलब सेकेंड वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला उसमें दो मैंने, एक तो ये वाला नेगेशन पी और दूसरा ये वाला पार्ट। अब इसके बारे में डिस्कस कर लो, देखो ऐसा जरा अपने आपसे बात करो, पहले हड़बड़े करके सॉल्व मत करो, पहले अपने आपसे डिस्कस कर लो कि हाँ ये देख दो पार्ट है, दोनों के बीच में और है, मेन दो ही पैरेलल है। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखो गड़बड़ दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है, तो इसमें जब देखा तो ये और ये, अच्छा ये वाला देखो एंड है, मतलब ये और ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, सीरीज रहेगा, एम आई क्लियर? अच्छा सीरीज के बाद ये देखो दूसरा, ये देखो दूसरा वाला, दूसरे के अंदर जो दो जन है इसके अंदर देखो एक दो तीन, इनके बीच में क्या लगा और, मतलब ये अपने आप में क्या है पैरेलल है। बोलो ये क्लियर हो गया? मतलब दूसरे के अंदर एक स्विच है और तीन जो स्विच है ना वो पैरेलल है। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्पीड करके देख लो तुम लोग, अच्छा टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। पी एंड क्यू, चलो सबसे पहले यहाँ पर सर्किट डायग्राम इज गिवन बाय पी एंड क्यू। पी का मतलब क्या होता है, पी मतलब स्विच एस वन, स्विच एस वन, और यहाँ पर एंड है, एंड मतलब सीरीज है, सीरीज किसके साथ एच, यहाँ पर क्यू मतलब क्या होता है एच टू। चलो ये पैरेलल है, पैरेलल है मतलब किसके पैरेलल, थोड़ा बड़ा बनाओ, यहाँ पर देखो एक ये आने वाला है पैरेलल, समझ गया? दोनों के बीच में और लग गया, दोनों के बीच में और लग गया, दोनों के बीच में और लग गया है, ये क्लियर हो गया? चलो इसका जुगाड़ करो, नेगेशन पी, नेगेशन पी का मतलब क्या होता है एस वन डैश। चलो ये आ गया एस वन डैश, बोलो ये क्लियर हो गया? ये सीरीज है लेकिन इसके साथ, अब इसका देखो इसके अंदर तीन स्विच है लेकिन तीनों के तीनों क्या है पैरेलल, मतलब एक दो तीन, बोलो ये क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया? यस और नो एवरी वन, प्लीज यस और नो बोलना है, यस और नो बोलो, आजू बाजू मत देखो, ग्रेट बहुत सही। अच्छा यहाँ तक क्लियर होने के बाद इसको खाँचा बना के हटा दो, देखो कितना दिखने में भी अच्छा लग रहा है, देखो कितना सिस्टमेटिक बना रहा हो। एक का नाम है नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब क्या होता है एस टू डैश, और ये क्या है अब पी मतलब क्या होता है एस वन, आगे क्या है आर मतलब एस थ्री होगा, बरोबर है एस थ्री, ये क्लियर हो गया? इसके बाद वही फॉर्मेलिटी, बैटरी बना दे, यहाँ पर लैंप लगा दे, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बी लिख दो बैटरी, और यहाँ पर तुम लोग को बताया था कि फॉर्मेलिटी के लिए ये कर दो, एरो वीरो बनाओ, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है इसलिए, और कुछ नहीं। एक बार वापस देखो कैसे करने का, ये दिखते जाओ तुम लोग, बहुत प्यार मोहब्बत से सिखा रहो, एकदम हड़बड़ी मत करो। ये दोनों का तो हो गया जुगाड़, ये देखो दोनों के बीच में और है तो मतलब सेकंड पार्ट में बात करूंगा, सेकंड पार्ट में दो जने, एक ये है एक ये है, बरोबर है? ये वाले पार्ट को तो हमने बना दिया, और देखो ये दूसरे पार्ट के साथ क्या कर रहा है, सीरीज एंड है इसलिए सीरीज, ये और ये दिख रहा है यहाँ पर, याद करो मैंने बात किया था आशीष सरफराज मियाँ खलीफा, याद आ गया अभी तुम लोगों को, बहुत सही है यहाँ पर। चलो ये तीनों को एक बन जाएगा, ये देखो ये तीनों दिख रहा है, ये तीनों एस टू डैश एस वन एस थ्री, बोलो ये क्लियर हो गया? प्लीज़ कॉपी करो और थर्ड वाला ट्राई करना ज़रूर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, प्लीज़ वीडियो पॉज करके थर्ड वाला पहले इसको लिख लो फिर थर्ड वाला ट्राई करना। चलो एवरीवन यहाँ पर चालू करते थर्ड वाला सम, और बहुत ही आसान है, अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो सेम पैटर्न करो, तुम लोग को पहला वन टू लिखना है, अगर नहीं आए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं बच्चा, अभी ये लर्निंग फेज है,
हम लोग सिखा रहे नहीं है, सिखाने वाला कभी कभी अटक जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हर सब नहीं आएगा, हम लोग भगवान थोड़ी ना, हम लोग अल्लाह थोड़ी ना यार, समझ पा रहे, जो सब आएगा। हम लोग एक टीचर है, जो हमें आता है वो तुम तक पहुँचाने का काम करते हैं, बरोबर है। जैसे साधु संत होते हैं वैसे ही, यहाँ पर मौला होते हैं वैसे ही चीज़ें, हम लोग भी वही कैटेगरी वाले, हर टीचर वैसे ही होता है। तो बच्चा देख, अब यहाँ पर सुन, तेरे को क्या करना है, सबसे पहले ना ये क्वेश्चन लिखा तो देख, एक लॉन्ग ब्रैकेट है और एक शॉर्ट ब्रैकेट है। लॉन्ग ब्रैकेट मतलब चौकोंडी को लॉन्ग ब्रैकेट बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में। तो देख, ये पहला वाला वन और ये दूसरा वाला टू। अच्छा, पहला और दूसरे के बीच में क्या है, देख, और ये एंड है, एंड है। इसका मतलब पहला वाला सर्किट जो इतना गंदा दिख रहा है वो सीरीज रहेगा। सीरीज किसके साथ, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में तो कोई तकलीफ नहीं है, चलो एक काम करते, पहले वाले में तकलीफ है। पहले वाले में ना ध्यान से देखने का, हर एक बच्चा ना ध्यान से देखेगा यहाँ पर क्या है। देख बच्चा, ये अंदर आ गया मैं, एक ये डब्बा और एक डब्बा, मतलब एक ये दिख रहा है, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा। तो चलो ठीक है, मतलब पहले वाले में ना अपने आप में पहला वाला जो है, पहला वाला अपने आप में दो डब्बे में टूट चुका है, अपने आप में दो डब्बे में टूट चुका है। और अब ये दो डब्बे के अंदर देखो, पहला और दूसरे, पहले डब्बे के अंदर, यहाँ पहला डब्बे के अंदर ही क्या हो रहा है, दो जन एंड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर दो जन एंड कर रहे हैं, पहला डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में और है। चलो एकदम सिस्टमेटिक बनाते हैं यहाँ पर, पहले रफली बना लिया करो, कोई तकलीफ नहीं पेंसिल से, अभी हमें एक्सपीरियंस होता है तो तुम लोग को भी हो जाएगा एक ना एक दिन, कोशिश बस प्रैक्टिस करते रहो। चलो पी एंड आर, पी क्या होता है, एस वन, यहाँ पर एस वन, एस वन बनाया, एंड है, एंड है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये इसके सीरीज में आएगा। एंड आर, आर क्या है, आर, आर एस थ्री है, चलो एस थ्री है, ये तो हो गया, ये तो हो गया एस थ्री, ये वाला पार्ट हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट इसके साथ और कर रहा है, मतलब ये पैरेलल आने वाला है। ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल, बोलो ये क्लियर हो गया। पैरेलल में भी देखो, दो जन दिख रहे वो सीरीज में, एक एंड नेगेशन क्यू है, नेगेशन क्यू मतलब क्या आएगा, एस टू डैश, बरोबर है, एस टू डैश यहाँ पर, और क्या आएगा। अच्छा, कभी मैंने बोल रहा से हूँ, लिख रहा गलत हो तो मैनेज तुम लोग कर लो बच्चा, ये मैटर नहीं करता, हमारा काम है कंसेप्ट सिखाना, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, एंड नेगेशन आर, नेगेशन आर, नेगेशन आर मतलब एस थ्री डैश, एस थ्री डैश, एस थ्री डैश, बोलो यहाँ पर बना दिया ना एस थ्री डैश, तो ये एस थ्री डैश, बोलो ये क्लियर हो गया। देखो ये वाला बन गया इधर, दूसरा वाला बन गया इधर, दोनों के बीच में और है, मतलब पहला जोन तो बन गया, पहला जोन तो बन गया, ये लाइन इधर से आ रहा है, मतलब करंट आया। अच्छा, लेकिन ये सीरीज में, सीरीज में किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, मतलब ये एक ही बनने वाला है। एम आई क्लियर। पहला वाला देखो, ये पहला सर्किट है अपना, और दूसरा वाला नेगेशन पी एंड आर, एंड कर रहा है, नेगेशन पी की तरह, नेगेशन पी मतलब एस वन डैश, एस वन डैश, यहाँ पर एंड कर रहा है, एंड मतलब सीरीज में किसके साथ, नेगेशन आर, नेगेशन आर का मतलब क्या होता है, एस थ्री डैश। देखो तुम लोग का सर्किट इतना बना या नहीं बना, नहीं बना तो भी कोई तकलीफ नहीं, मैं बार बार बोलता, तकलीफ वाली बात नहीं है, तकलीफ वाली बात नहीं है। ये लैंप लगा दिया और ये यहाँ पर देखो, एरो बना दो, चलो एरो बना दो, बस जो नहीं आता ये साफ सुथरा दिखता है, इसको बी लिख दो, बैटरी। देखो एक बार देखने का, तुम लोग एक बार नोटिस करो, एक बार नोटिस करो कि तुम लोग सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। चलो एम आई क्लियर। तो ये हो गया अपना थर्ड वाला पार्ट, कोई तकलीफ लेने वाली जरूरत नहीं है। तुम लोग चौथा ट्राई करो, पांचवा ट्राई करो, छठवा ट्राई करो। वंस यू डन विद दिस एक्सरसाइज, तुम लोग एक काम करना, पूरा का पूरा एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना, देखो तुम लोग का एक अच्छा मार्क्स आने वाला है। प्लीज़ इसके बाद चौथा वाला ट्राई करो खुद से। सो गाइज, फोर्थ वाला देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, सब सेम अपना कैटेगरी हुई, अपना पैटर्न मत छोड़ो बच्चा, अपना पैटर्न मत छोड़ो। एक शॉर्ट ब्रैकेट, एक लॉन्ग ब्रैकेट, तो इसको क्या बोलोगे, वन, और इसको क्या बोल दोगे, तुम लोग टू बोल दोगे। पहला वाला ध्यान से देखते, पहला वाला ध्यान से देखते, पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन, तीनों का बा सीरीज में लगा बा यूपी लैंग्वेज नहीं आता लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर तीनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज समझ गया ना, मतलब तीन स्विच एक ही लाइन में। अच्छा, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले पार्ट के मतलब एक ये, एक पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि और कनेक्ट किया है। चलो दूसरे के बारे में देखते हैं। देखो इसके पास ब्रैकेट नहीं, मतलब ये सिंगल स्विच है, सिंगल स्विच है। और यहाँ पर देखो, देखो ऐसे किया करो तुम लोग भी, और ऐसा जिस दिन करना सीख गए ना, तुम्हारा गलती होने का चांस कम हो जाएगा बच्चा, गलती होने का चांस कम हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, पी एंड, एंड मतलब ये वाला पी वाला, इसके साथ सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, और ये अपने आप में देखो दो स्विच है लेकिन वो पैरेलल है। चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, पहले एक दो तीन, तीनों के तीनों अपने को सीरीज में लगाना है। पी, पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है, एस वन, चलो सीरीज में लगाना है एस वन, एस वन। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि मुझे मालूम है दूसरा वाला इसके आगे नहीं, इसके नीचे बनाना है। एम आई क्लियर। देखो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं अपन, थोड़ा बहुत जितना है ऊपर वाले ने दिया है। यहाँ पर नेगेशन क्यू मतलब एस टू डैश,
यहाँ पर R, R मतलब क्या आएगा एच थ्री, बोलो ये क्लियर होगा, ये पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ऐसा खाचा बनेगा, बोलो ये क्लियर होगा, ये पैरेलल है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा, पैरेलल ये वाला मिल गया। और अच्छा P, P मतलब क्या आएगा, P क्या आएगा S1 आ गया, S1 बोलो ये क्लियर होगा, S1 सीरीज है, सीरीज है मतलब एक सिंगल लाइन। अच्छा ये तीनों में देखो, ये दोनों अपने आप में क्या है, और है, और है मतलब यहाँ पर दो स्विच लगने वाला है, एक इधर एक इधर, बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक ऐसा बना दो और एक ऐसा बना दो, बोलो ये पैरेलल हो गया और यहाँ से निकाल दो ये। अच्छा इसका नाम क्या, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू का मतलब तो याद हो गया सर, एस टू डैश। अच्छा नेगेशन आर मतलब एस थ्री डैश, एस थ्री डैश, बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर अच्छा ये सर्किट बना दो जरा, यहाँ पर क्या करोगे, बैटरी लगा दो, बैटरी लगा दो, लैंप लगा दो और यहाँ पर सेल लगा दो, एरो दिखा दो छोटा मोटा आइटम, ये क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ पर क्लोज लूप बोलते हैं इसको, क्लोज जहाँ से चालू, देखो यहाँ से चालू होता है ना तो यहीं पर ख़त्म होता है, इसको एक क्लोज पाथ बोलते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया, एक बार मैं भी मैच करता हूँ क्योंकि गलती होने का चांस अपने से भी है, अपन भगवान विगवान तो है नहीं, बराबर है ना ये चीज़। नाउ एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लिया या वीडियो पॉज किया, चलो फिफ्थ और सिक्स लगे हाथ ये भी कर देते हैं, ये तो ईजी रहेगा। चलो हटा दो इसको बच्चा, देख एक बार देख ले एक बार, ग्रेट। स्क्रीनशॉट लेते हो ना, कभी मेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो बोलने का सर पोजिंग दो, तभी अच्छा आता है क्योंकि फिर अपने को भी अच्छा लगेगा। कुछ भी बकवास करते हो सर आप, अरे ठीक है ना यार, अकेले ही रहना पड़ता है तो अकेले अकेले बात करना पड़ता है। अभी जिस दिन लाइव लेक्चर लेंगे तब तुम लोगों को मजा आएगा, लाइव ठीक है ये भी, तभी भी लाइव जैसे ही हो रहा है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप धीरे धीरे बात करते हो। चलो फिफ्थ वाला क्या आएगा, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा है, पी और मतलब नेगेशन पी, फिर और नेगेशन क्यू, फिर से और पी एंड क्यू। अरे सर ये तो बहुत ही चिंदी है, हद से ज़्यादा चिंदी है। देखो ये वाला इसके साथ क्या कर रहा है, पैरेलल और है, फिर ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये वाला इसके साथ पैरेलल और मतलब पैरेलल, लेकिन ये लास्ट वाला मतलब एक दो तीन चार जने। चलो पी वाला क्या आएगा, पी वाला, पी वाला एस वन पैरेलल है, पैरेलल है मतलब यहाँ से निकलेगा, बरोबर है ये चीज़। अच्छा ये नेगेशन पी है मतलब यहाँ पर S1 डैश, बराबर है, फिर से पैरेलल है, यहाँ पर आएगा, समझ पा रहे हो, देखो ऐसा करने का। ये नेगेशन क्यों, नेगेशन क्यों मतलब Q को तो S2 बोलते हैं, यहाँ पर S2 डैश, S2 डैश, बोलो ये क्लियर हो गया, S2 डैश। अब तो और आसान हो रहा है, अब तो और आसान लगने लग गया, क्योंकि अब कम, अब वो 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब एक्सपीरियंस आ गया। P एंड Q दो जने, P एंड Q, P को क्या बोलते हैं S1, Q को क्या बोलते हैं S2, बोलो ये क्लियर हो गया। और ये सबके सब पैरेलल है तो यहाँ से करंट तो भेज कहीं से भी लगा सकता है, हम लोग यहाँ पर लगा देते, ये लैंप यहाँ से कहाँ पर लगा, यहाँ पर ना, तो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा करो, समझ पा रहे हो, मैडम लोग को भी अच्छा लगता है, अरे यार कितना खूबसूरत बनाया है, चेहरा खूबसूरत नहीं लेकिन डायग्राम अच्छा बनाता है तू, ऐसा बोल सकते हैं टीचर लोग, ठीक है ये तुम लोग को भी समझना चाहिए। चलो ये भी हो गया अपना फिफ्थ वाला सम। अब यहाँ पर क्या है, देखो स्क्रीनशॉट मार लो सर, पोज, हाँ हो गया, चल आगे यहाँ पर, ओके आगे 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 यहाँ पर सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला। चलो बच्चा ट्राई करने हैं तुम लोगों को, ट्राई करो सिक्स्थ वाला, ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो, मैं लिख रहा था तो वीडियो पॉज कर दो, चलो 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 चलो, या माइंड में कर सकते तो और अच्छी बात है यार, सर माइंड तो होना चाहिए, अरे होगा क्यों नहीं है, अरे है ना, माँ बाप ने बचपन में अपने को दूध पिलाया था, कैल्शियम आ गया था ना, वो दिमाग को असर करता है। चलो 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 यहाँ पर कुछ ही बोल रहे, मैथ्स वाला टीचर बायोलॉजी की बात करता तो ऑकवर्ड लगता है सर, मत बात करो, ठीक है। चलो यहाँ पर पी एंड क्यू दो जन सीरीज है, ठीक है दो जन सीरीज है, नाम लिख देता हूँ पी एंड, यहाँ पर पी एंड मतलब एस वन रहेगा ये, क्यू मतलब एस टू रहेगा, सर ये और है, और ना ठीक है ये और है, चलो ठीक है और है, इसका मतलब ये नेगेशन पी है, नेगेशन पी मतलब देखो आप तो और स्पीड बढ़ गया, एस वन डैश, सर ये और है, चलो और नीचे आ जाओ, और के बाद दो जन सीरीज है, देखो एंड है तो ये एक एस वन आ गया, S1 और एंड कर रहा है, एंड मतलब सीरीज, नेगेशन क्यू मतलब S2 डैश, बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, एंट्रेंस वगैरह में ना क्या होता मालूम है, एंड ये देखो इधर से लोगे तो और अच्छा दिखेगा, मेरी बात को सुनो, तीन लाइन है ना तो बीच वाला पार्ट लेके चलते और अच्छा दिखेगा, ये क्लियर हो गया। एंट्रेंस में सिर्फ इतना ही बनाएंगे, आगे के तुम लोग देखो सम्स वगैरह देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं दिखता रहेगा तो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो दिख रहा है, ग्रेट, वहाँ पर है ना या इतना ही छोड़ते हैं, तुम लोग को अपने आप समझना चाहिए, इधर से ये बैटरी, बैटरी है ये लैंप है, बराबर है, इतना बनाओगे तभी भी इनफ रहता है, लेकिन अपन को फुल मार्क्स चाहिए, अपने को रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, समझ पा रहे, इसमें रिस्क है लेकिन यहाँ पर रिस्क नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। या सर एरो बनाओ ना अच्छा लगता है, वही तो आता है मुझे, अरे बना,
बना सर, यहाँ से चालू, यहाँ पर ख़त्म, चलो ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर टू। प्लीज़ कॉपी करो, रिवाइज करो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। प्लीज़ इसके बाद तुरंत क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा बने, मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा ही बने, थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके खिलाऊँ, ठीक है। टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, एक बार रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री कंटिन्यू करना। गाइस, क्वेश्चन नंबर थ्री कंटिन्यू तुरंत करना, टाइम नहीं होगा तभी भी कंटिन्यू जरूर करना, तभी मजा आएगा। इसके लिए मुझे ना अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का रिविजन चाहिए, तो प्लीज़ आप अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का रिवाइज करके ही वो लेक्चर देखना, जिस तरह एक ऑफलाइन होता है। प्लीज़ बाय, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी वीडियो के बाद तुरंत वो वीडियो देखना, चलेगा। लॉगिंग आउट।